हमीरपुर में गर्मी अपने चरम पर है और पारा 40 तक पहुंचने पर लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर बन रहा है। सुबह के समय ही तेज धूप होने के चलते लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिस कारण बाजारों से रौनक गायब हो गई है। दोपहर तक तो बाजार सुनसान पड़ रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में जाने वाले ननिहालों की भी चिंता अभिभावकों को सता रही है, क्योंकि अभी तक स्कूल टाइमिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमीरपुर में गर्मी अपने चरम पर है और पारा 40 तक पहुंचने पर लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर बन रहा है। सुबह के समय ही तेज धूप होने के चलते लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिस कारण बाजारों से रौनक गायब हो गई है। दोपहर तक तो बाजार सुनसान पड़ रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में जाने वाले नौनिहालों की भी चिंता अभिभावकों को सता रही है, क्योंकि अभी तक स्कूल टाइमिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गर्मी के चलते लोग अपने गलों को तर करने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेने के लिए मजबूर हुए हैं, जिससे ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर खासी भीड़ देखी जा रही है। हमीरपुर बाजार में गर्मी से बचने के लिए युवतियां छाता लेकर आवाजाही कर रही हैं, तो कई महिलाएं मुंह को दुपट्टे से ढककर बाजार में पहुंच रही हैं ताकि भीषण गर्मी से बचा जा सके। गांधी चौक पर सब्जी विक्रेता का कहना है कि कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस कारण सब्जी का काम भी ठप पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि सब्जी दूसरे दिन के लिए खराब हो रही है, जिससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो क्या एक दिन ला रहे हैं सब्जी, दूसरे दिन टिक रही है या नहीं टिक रही है? नहीं टिक रही है, बहुत बुरा है। पहले होती थी ऐसी गर्मी, नहीं होती थी पहले भी होती है, ज्यादा इस बात बहुत ज्यादा तो बहुत बुरा है। स्थानीय निवासी दिनेश कमर ने बताया कि हमीरपुर में तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इस तापमान में लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि तापमान के बढ़ने से लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने मांग की कि स्कूल टाइमिंग में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है वो पिछले कुछ सालों से लगातार भिन्न भिन्न तरीके से देखने में आ रहा है। ये जो अभी आप देख रहे हैं कि हमीरपुर का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री, 42 डिग्री, 43 डिग्री इस तरफ बढ़ रहा है, तो ये टेम्परेचर जो है इससे बहुत परेशानी हो रही है और लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है और इस क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब दोपहर को 3 बजे 2 बजे जब बच्चे निकल रहे हैं तो वो बहुत तेज धूप होती है। पहले ऐसा होता था कि गर्मियों के दिनों में बच्चे 2 बजे से पहले छूट के ऑफिस स्कूल से निकलकर घर चले जाते थे, तो 7 बजे का टाइमिंग था, 8 बजे का टाइमिंग था। तो ये टाइमिंग जो है, अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान दे तो बच्चों को राहत मिल सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। वहीं चिकित्सक डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा का कहना है कि गर्मी के बढ़ने से लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी से बचाव करना चाहिए ताकि पीलिया डायरिया ना हो, और ताज़ा खाना खाना चाहिए। इसके साथ ही जूस और फलों का सेवन भी करना चाहिए ताकि गर्मी से बचाव हो सके। आजकल गर्मियों का मौसम और धूप ज़्यादा पड़ रही है, तो इसमें जो हमारे लोगों को थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों के दिनों में डिहाइड्रेशन होने के बहुत चांसेस रहते हैं, साथ में लूज मोशन और पीलिया ये वाली बीमारियाँ जो ज़्यादा फैलती हैं। तो इसके बचाव के लिए हमें हमेशा ताज़ा खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी या जूसेस हमें लेने चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, और हमें हमेशा ताज़ा ही खाना चाहिए ताकि पीलिया और लूज मोशन जैसे इन छोटे मोटे रोगों से बचा जाए। क्लाइमेट तो अब क्लाइमेट का तो बीइंग ए डॉक्टर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये देखने में आ रहा है कि दिन ब दिन जो है गर्मी बहुत तेज होती जा रही है, तो इसलिए बचाव में ही सुरक्षा है। तो अगर हम ये छोटे छोटे उपाय अगर घरों में करते हैं और तो हम ये जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं इनसे आराम से बचा जा सकते हैं। 3 बजे छुट्टी होती है, लेकिन क्या सजेशन रहेगा? वही मैं कह रहा था कि बच्चों को बाहर जब भेजना है तो छाता लेके भेजें, एक तो छाता लेके भेजें और उनको जो है पानी जूस या ग्लूकोज आप उनको दे सकते हैं ताकि उनके शरीर के अंदर पानी की किसी भी तरह से कमी ना हो, यही मेरा एक संदेश है।